और फिर उसकी पूरी मैनेजमेंट, और फिर अब हालत यह हो चुकी है कि अब जमातों का मंशूर भी खत्म हो गया है। पब्लिक ने धोखे खा खाकर इस डिसेप्शन को एक्सेप्ट कर लिया है। अब ना कोई मंशूर छापता है, ना कोई मंशूर पूछता है, बाज औकात यक निकाती मंशूर चल पड़ता है। बस एक कह देगा करप्शन के खिलाफ मेरा मंशूर करप्शन का खात्मा है, दैट्स इट। कौम को कुछ पता नहीं कि यह खात्मा किस तरह होगा, इसकी खारजा पॉलिसी क्या होगी, दाखिला पॉलिसी क्या होगी, इस मुल्क को खसारे से कैसे निकलाएगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में तब्दीली किस तरह लाएगा, रोजगार कैसे देगा, जॉब कैसे देगा, एजुकेशन पे कितना खर्च करेगा, हेल्थ पर क्या खर्च होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या खर्च होगा, रीजनल ताल्लुकात क्या होंगे, बैन अलाकवामी पॉलिसी में आजादी कैसे आएगी, कुछ मालूम नहीं, ना कोई पूछने वाला है। एक शख्स ने कह दिया कि करप्शन का खात्मा, एक शख्स कह देगा कि मैं स्विट्जरलैंड की अकाउंट वापस लाऊंगा। बस किसी को इसके अलावा कोई मंशूर पूछने की जरूरत नहीं है। एक कह देगा ये मुल्क दुश्मन जमात है, मैं नजरिया पाकिस्तान बहाल करूंगा, कायद आजम का फिक्र दूंगा, उसका पाकिस्तान दूंगा। एक ने कहा मैं जमहूरियत दूंगा, एक कुछ ने कह दिया हम इस्लाम लाएंगे। यक लफ्जी नारे मंशूर की जगह ले गए। कोई कह देगा बीबी के खून का बदला लेंगे, कोई कह देगा लुटेरों की लूट घुसूर को खत्म करेंगे। ये जुमले हैं, आप गौर से सुनिए। जस्ट एक वर्ल्ड है, सिंगल सेंटेंस वर्ल्ड, किसी मैनिफेस्टो की इस निजाम इंतखाब में अब जरूरत नहीं रही, क्योंकि अब जंग धड़ों के दरमियान शुरू हो गई है। और आज से नहीं, ये 90 में भी थी, आप चले जाइए 90 की इकाई में, 89 में चले जाइए, वफाकी हुकूमतों और सूबाई हुकूमतों में एक जंग होती थी, कई बार असेंबलियां टूटी, सियासी मुनाफरतों का नतीजा फिर एस्टेब्लिशमेंट उठाती है, वह हुकूमतें तोड़ती है, और सियासतदान आपस की जंग और मुनाफरत के जरिए उनके लिए मैदान हमवार करते हैं मुदाखलत का, अपनी नाहलियत के जरिए, करप्शन के जरिए, बैड गवर्नेंस के जरिए। पार्लियामेंट डिलीवर नहीं कर सकती। अब आज की पार्लियामेंट से पूछें कि मौजूदा पार्लियामेंट जिसको 3-4 साल हो गए, फेडरल भी और मैं बात कर रहा हूं असेंबली प्रोविंशियल भी, इन्होंने इस कौम को क्या दिया है? कोई बोलेगा इतनी लेजिस्लेशन की हैं, कोई बोलेगा इतनी अमेंडमेंट्स की हैं। भाई आपकी लेजिस्लेशन ने 17 करोड़ आवाम जिनको बिजली नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, जिनकी इज्जत और जिनकी जान और माल महफूज नहीं, हर वक्त खून की होली खेली जा रही, उन आवाम को आपकी लेजिस्लेशन ने क्या दिया है? इस 16 करोड़ आवाम जो मायूस लोग हैं, जिनके पास टैलेंट खत्म होता जा रहा है, कौम का एतमाद अपने मुल्क और अपनी कौमियत पे खत्म हो रहा है, उस कौम को क्या दिया है आपकी अमेंडमेंट्स ने? अमेंडमेंट होती हैं अपने सियासी मफादात के तहफ्फुज के लिए, अपनी करप्शन को महफूज करने के लिए। पॉलिसीज में तसलसल नहीं है,